दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC 3 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो फर्स्ट में बात करेंगे उड़ीसा के बारे में, सेकेंड में बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में, थर्ड में बात करेंगे ट्रेन कैंसिल को लेकर, क्या सारी ट्रेन फिर से कैंसिल होने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जैसे ही आप IRCTC के पेज पे आते हैं तो फर्स्ट में आपको देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कहीं से भी यदि आप उड़ीसा जाते हैं कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तभी एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसके बाद सेकेंड नंबर में बात कर रहे हैं महाराष्ट्र को, तो आप लोगों को पता होगा महाराष्ट्र में कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार CM केजरीवाल ने न्यू गाइडलाइन जारी किया है। यदि आप महाराष्ट्र से दिल्ली आते हैं तो आप लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए या फिर RT-PCR रिपोर्ट ज़रूरी है। यदि आप RT-PCR या फिर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आते हैं दिल्ली तो आप लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया जाए। ट्रेन कैंसिल को लेकर, क्या सारे ट्रेन फिर से कैंसिल होने वाले हैं? तो रेलवे ने क्लियर कर दिया है फिर से ट्रेन कैंसिल नहीं होने वाले हैं।